दलाई लामा ने एक वीडियो सामने आने के बाद माफ़ी मांगी है, जिसमें आध्यात्मिक नेता को उत्तर भारत में एक कार्यक्रम में एक बच्चे को होठों पर चुंबन करते हुए और फिर उसे जीभ चूसने के लिए कहते हुए दिखाया गया है। सोमवार को एक बयान में दलाई लामा के कार्यालय ने कहा कि वे लड़के और उसके परिवार के साथ साथ दुनिया भर में उसकी कई दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि उसकी शब्दों से चोट लग सकती है। उन्होंने कहा कि उसे पश्चाताप है इस घटना से। बयान में कहा गया, परम पवन अक्सर उन लोगों को चिराते हैं जिनसे वे मिलते हैं, एक मासूम और चंचल तरीके से, यहाँ तक के सार्वजनिक रूप से और कैमरों के सामने भी।